तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। क्या इतनी रात में, वो भी रोड पे? कैसे माँ बाप हैं? चलो बेटा मेरे साथ चलो। हाँ मेरा घर थोड़ा सा छोटा तो है, लेकिन आज के बाद से तुम भी यही रहोगी। आज के बाद से ये तुम्हारा भी घर है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये लो बेटा मैंने नूडल्स बनाया, अभी कुछ खाने के लिए घर पे था नहीं इसलिए मैंने फटाफट यही बना दिया, जल्दी से तुम इसे खा लो। अरे रुको रुको, बहुत गर्म होगा, जल जाओगी। लाओ मैं खिला देती हूँ तुमको अपने हाथों से, ठीक है? आराम से, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, आराम से खाओ। बेटा आज के बाद से मुझे तुम अपनी मम्मी बुला सकती हो, वैसे भी पूरी जिंदगी मैं अकेली रहती आई हूँ, भगवान ने मुझे एक बेटी तो दे दी। एक साल बाद। मम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको बेटा, ये कुछ पैसे रख लो बस के लिए। और हाँ, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है तो मन लगा के पढ़ना, ठीक है? ठीक है मम्मी। खुश रहो बेटा। बाय। बाय। वाह ये कॉलेज कितना बड़ा है। अरे इस लड़की के कपड़े देखो, लगता है भिखारी है, लगता है गलती से इस कॉलेज में आ गई है। देखो मैं सही कॉलेज में ही आई हूँ। ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बड़े से कॉलेज में भिखारी भी पढ़ने लगे। अरे वाह बेटा तुम कॉलेज से आ गए, बताओ कैसा था पहला दिन? अच्छा था। क्या हुआ बेटा तुम उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ बोला है क्या? वो मम्मी कॉलेज की कुछ लड़कियां मेरे कपड़ों को लेकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे भिखारी बोल रही थी। हाँ सच में? कुछ भी, मेरी बेटी एकदम राजकुमारी जैसी लगती है, वो बस तुमसे जल रही होंगी बेटा। उनके पास भले ही महंगे कपड़े क्यों ना हो लेकिन उनकी शक्ल तो बंदरिया जैसी होगी ना। मम्मी आप भी ना। चुप रहो बेटा मैं सच बोल रही हूँ। और हाँ चलो हम बाजार से तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। लेकिन मम्मी पैसे? फिर वही बात, पैसे की तुम चिंता मत करो, अब चलो जल्दी। अगले दिन। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ अरे वाह बेटा तू इन नए कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है, मेरी राजकुमारी को किसी की नजर ना लगे। वैसे बेटा ये फोन रख ले, मैंने तेरे लिए लिया था। फोन? लेकिन मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? चुप कर, तू इतने बड़े कॉलेज में जा रही है तुझे फोन की क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? और वैसे मुझे तेरी फिक्र होती है तो मैं भी तुझे एक दो बार कॉल कर लिया करूंगी। और वैसे भी ये फोन उतना महंगा नहीं था, सेकंड हैंड लिया है मैंने, लेकिन टच स्क्रीन है देख। पता नहीं लोग कैसे टच स्क्रीन वाला फोन चला लेते, मुझसे तो कीपैड वाला फोन भी नहीं चलाया जाता। मम्मी आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हो। अरे नहीं मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, बाय बाय। ओह आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? आपको चोट आई है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये कॉलेज है? तुम धीरे गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। नहीं मेरा फोन भी टूट गया। डोंट वरी, मैं आपको नया फोन खरीदूंगा, आप चिंता मत करो। चुप रहो, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने पैसों का रौब कहीं और दिखाना। ये फोन मेरी मम्मी ने आज ही मुझे दिया था और तुम्हारी वजह से ही टूट गया। प्लीज आप गुस्सा मत करिए, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको एक नया फोन दिला दूंगा। वैसे टीना मार्केट में एक नया स्कैम नहीं आ रहा कि भिखारी अमीरों की गाड़ी के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चोट लगी और मुझे पैसे दो, मेरा फोन टूट गया मुझे नया फोन दो। ओ हां रिया तुमने बिल्कुल सही बोला, लगता है वैसे भिखारी हमारे कुछ कॉलेज में भी आ गए। रिया और टीना चुप रहो, समझी, इसमें मेरी गलती है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। ओके क्लास डिसमिस। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है। हाँ मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई राहुल के आसपास घूमने की, टीना जरा इसे बताना। ओके राहुल रिया से बेहद प्यार करती है, राहुल इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का है और वो हमारा दोस्त भी है। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, पहले वो अमीर लड़कों को फंसाती है फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है, लेकिन मैं तुम्हारा प्लान कामयाब होने नहीं दूंगी, समझी। और वैसे भी राहुल तो हमारा दोस्त है ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे तुम जैसी गोल्डीगर लड़कियों से बचाएं, इसीलिए उसने तुम दोनों की साइड लेने के बजाय मेरी साइड ली। ए तू अपने आप को समझती क्या है, बोल, तू अपने भूल रही है क्या? बोले तो मैं समझाऊं। रिया जल्दी से रिंकी को छोड़ो। वो राहुल हम तो बस इसे समझा रहे थे। चुप रहो, आज के बाद से तुम दोनों रिंकी के आसपास भी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो, राहुल तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप रहो और प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जा रही। रिंकी क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अरे नहीं नहीं आई एम सॉरी, आज जो कुछ भी सुबह हुआ और वैसे भी मेरी वजह से वो दोनों तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। मैंने तुम्हारे लिए नया फोन लाया था, इसे रख लो। नहीं नहीं मैं ये फोन नहीं ले सकती। रिंकी प्लीज इस फोन को रख लो, अदरवाइज मुझे हमेशा ये लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और वैसे भी मेरी तरह से सॉरी समझ के रख लो। ठीक है, वैसे सॉरी मुझे भी बोलना था, मैंने भी तुम्हें सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही सुना दिया। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, इसमें गलती भी मेरी थी, और वैसे मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके ठीक है। वैसे डोंट माइंड, लेकिन तुम रहती कहाँ पे हो? वो जो रिवर फ्रंट के सामने एक बिल्डिंग है ना, मैं उसी में रहती हूँ। ओ रिवर फ्रंट के सामने वाली बिल्डिंग, वो तो मेरे पापा ने बनवाया था। सच में? क्या उस बिल्डिंग के ओनर तुम्हारे पापा है? हाँ, और वैसे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, आई मीन वो कहाँ रहते हैं तुम्हारे साथ ही? वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों दुबई में रहते हैं, वहाँ पे उनका बिजनेस है और मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। वाह तुम तो काफी स्ट्रांग हो कि तुम अकेले रहती हो अपने मम्मी पापा के बिना। अरे नहीं मुझे घर जाना होगा। ओह सॉरी मैंने लेट करा दिया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, कभी और। ओके बाय।
मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तू आ गई, आज तो तुझे लेट हो गया, मैं तो डर ही गई थी। वो एक्चुअली मम्मी जो मेरी पहली बस थी ना वो मुझसे मिस हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बस। अरे बेटा ये तेरा फोन, ये तो वो वाला फोन नहीं है ना जो मैंने तुझे सुबह सुबह दिया था। मम्मी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? ओ चल ठीक है। अच्छा चल मैं बिल्डिंग की सफाई करने जा रही हूँ, सुबह से मैंने कूड़ा नहीं फेंका। मम्मी आप इतने लोग के घर काम करते करते ऊपर से इस पूरी बिल्डिंग की सफाई करके आप थक नहीं जाती हैं? अरे नहीं बेटा मैं बूढ़ी थोड़ी ना हुई, और वैसे भी ये सारा काम मैं अपनी प्रिंसेस के लिए करती हूँ, ताकि मेरी प्रिंसेस जो मुझसे मांगे मैं सब उसे दे सकूँ। अच्छा मम्मी आज मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। अरे नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी आपको कुछ नहीं बोलना, मैं अभी जल्दी से जाती हूँ और अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे बेटा सब हो गया, बस यही थोड़ा सा रह गया है। वैसे बेटा मैं चाहती हूँ तू अपनी हाथों में पेन और बुक पकड़ी, ये झाड़ू नहीं। बस बस मम्मी आप बस अपना ये इमोशनल ड्रामा करना बंद करिए। मैं इमोशनल ड्रामा नहीं कर रही हूँ। रिंकी तुम? राहुल तुम? बेटा क्या तू इस हैंडसम से लड़के को जानती है? रिंकी क्या ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ मैं इसकी मम्मी हूँ, क्या हुआ? वो राहुल, राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, ये जो मेरी मम्मी है इन्होंने तो मेरे असली माँ बाप से भी ज्यादा किया है। क्या असली माँ बाप? मैं कुछ समझा नहीं, क्या ये तुम्हारी मम्मी? वो दोनों तो मुझे कुछ साल पहले ही रोड पे छोड़कर चले गए थे। वो तो ये आई और इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। इन्होंने मेरे लिए पूरी जिंदगी क्या क्या नहीं किया, फिर भी मुझे शर्म आ रही थी ये बताने में कि मेरी मम्मी क्या करती है। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ रिंकी तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, आई एम सो प्राउड ऑफ योर मॉम, वो तुम्हारे लिए दिन भर मेहनत करके तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा तू सॉरी मत बोल, कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, और वैसे भी बच्चे से तो गलती हो ही जाती है ना। और अब हम क्या रात भर यहीं खड़े होकर रोते रहेंगे क्या? चल अपना आंसू पोछ, चल अब हम अंदर चलते हैं। और राहुल बेटा तुम इतनी दूर आ ही गए तो अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ अपने हाथों से बनाकर। हाँ आंटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलिए चलते हैं। आंटी आपके हाथों में तो जादू, आपने तो मेरी मॉम की याद दिला दी। क्यों क्या वो अब तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती हैं? वो एक्चुअली मेरी मॉम को कैंसर है तो वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती हैं। अरे बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। और वैसे आंटी अगर आपको मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना आप रोज मेरे घर में आके मेरे लिए खाना बना दिया करिए, आपको आपकी सैलरी भी मिल जाएगी और मेरा भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये सारे काम करिए, बिल्डिंग की सफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या आंटी आप आएंगी ना, बोलिए प्लीज 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 प्लीज। हाँ बेटा तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू आंटी, मुझे पता था आप मना नहीं करेंगी। अरे नहीं मुझे अब जाना होगा, लेट हो रहा है। रिंकी बेटा जाओ राहुल को बाहर तक छोड़ाओ। ठीक है। राहुल थैंक यू सो मच मेरी और मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए। चुप रहो रिंकी तुम भी ना, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा बोला है तो मुझे भी उनकी मॉम की तरह केयर करनी होगी ना। वैसे रिंकी तुमने आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ राहुल मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो अब तो हम दोनों फ्रेंड्स है ना? नहीं राहुल अब हम फ्रेंड्स नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड है। हाँ रिंकी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम भी ना। अगर पूरी वीडियो देख लिया तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।